तो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं एनिमे ड्राइंग्स के लिए स्पेशली कौन सा आर्ट सप्लाईज यूज करता हूँ। मेरे आर्ट सप्लाईज बहुत ही बेसिक और बजट फ्रेंडली है और इसे कोई भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रही मेरी ड्राइंग शीट। अरे कहाँ गई है? यहाँ पे तो नहीं, कहीं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, नहीं ये तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे? चलो अब इसे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। बाय नाउ। बस ड्राइंग शीट आने ही वाली है। लो बेल भी बज गई, चलो जाते हैं। ये तो डिलीवरी मैन की जगह तो डिलीवरी वूमेन है। लो भाई आपके पैसे। ये अपनी आइवरी शीट्स। मैं आइवरी शीट्स इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये हर साइज में अवेलेबल है और ये ब्लीड भी नहीं करती है। और अब अपना स्केच भी तैयार है। और मैं रफ ड्राइंग के लिए यूज़ करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल, जो बहुत ही पतली 0.5 mm की होती है और इससे हम बहुत ही प्रिसाइसली ड्राइंग कर सकते हैं। और अब बारी है इंकिंग के लिए, मतलब आउटलाइन के लिए। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ डॉम्स के फाइन लाइनर पेन, क्योंकि ये बहुत ही चीप और बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। मैंने इस ड्राइंग को ये सोच के बनाया था कि मैं डीमन स्लेयर से मुजान किबुत्सु जी बनाऊंगा, पर ये तो मेरे को पता नहीं कुछ और ही लग रहा है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ ये भी बताना कि ये मुजान किबुत्सु जी लग रहा है कि नहीं। तो अब हम सारी एक्स्ट्रा पेंसिल लाइन्स को इरेज कर देंगे कोई सी भी नॉर्मल इरेजर को लेकर। और हाँ इसके हेयर्स के कुछ पार्ट्स में ब्लैक कलर कर देंगे क्योंकि रेफरेंस इमेज ही ऐसी ही है। और अगर आप सोच रहे हो अब कि मैं पेंसिल कलर क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रश पेन फाइन लाइनर के सेट के साथ ही आया था। और अब मैं इन दोनों ड्राइंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक होगा डॉम्स पेपर केस्टल ओहू ब्रश पेन, डॉम्स पेपर केस्टल ओहू ब्रश पेन। अरे तो याद मात्र को मैं लिख ही देता हूँ ना तुम्हारे लिए। और मैं पहले यूज करूंगा डॉम्स कलर पेंसिल। और मेरे पास इसमें एक चैलेंज भी है, मैं हर एक ड्राइंग साइड को 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा। और मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी करूंगा, इसलिए कलरिंग में गड़बड़ थोड़ी हो सकती है। तो डॉम्स की साइड अब कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है फेबर कैस्टल की। और हाँ फेबर कैस्टल में कुछ ऐसा है कि पेंसिल के ऊपर दूसरा कलर है और उसको जब अपन यूज करें तो दूसरा कलर आता है। और मुझे इन कलर को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रेशर का यूज करना पड़ रहा है। और हाँ बस मुजान के जैकेट पे मत ध्यान देना क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज्यादा गलत बन चुका है। तो अब है ब्रश पेन की बारी। और हाँ मैंने पहले भी बोला था कि मुझे पर साइड 5 मिनट्स है कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी में सारी ड्राइंग बिगाड़ दी। बता दो कौन सा कलर ज्यादा अच्छा रहेगा, स्किन कलर के लिए डॉम्स और क्लोथिंग के लिए ओहू ब्रश पेन।